नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर बोर्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित ना हो और सभी बच्चों की काउंसलिंग पहले से तय तारीख 6 जुलाई से एक साथ हो सके। जो कैंडिडेट्स परीक्षा नहीं देना चाहेगा उसका रिजल्ट ग्रेस मार्क्स बगैर पुराने स्कोर बोर्ड के आधार पर ही माना जाएगा। केंद्र के इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।